न्यूकमर हो तो डेफिनेटली दैट कम्स रियली ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पर मतलब आप टोटली डिफरेंट हो जाते हो. तो आई रियली डोंट फील लाइक दैट यू माइट बी अ स्ट्रिक्ट पर्सन इन फैक्ट लाइक यू नो दैट्स व्हाट आई ट्राई आई एम फीलिंग व्हाट हैव टू से अबाउट दिस थिंग लाइक व्हाट कीप्स यू नहीं व्हाट कीप्स मी आई डोंट नो आई रियली डोंट नो दैट्स द वे आई एम आई जस्ट बेसिकली आई लव वर्क and I want to enjoy my work and I want the work to be brought across the in a right way or janta tak pahunchu sab logo tak pahunchu aur because knowing unknowingly jab se maine shuru kiya hai jo filmein ki hain wo logo ke dil mein abhi tak hain kyunki usme kuch sachai thi kuch characters acche the real the aur मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतने लोग उसके बारे में कहेंगे या इतना सक्सेस होगा मुझे कुछ नहीं पता था सो दैट्स द वे आई हैव बीन एंड दैट्स द वे आई वांट टू कैरी ऑन बिकॉज़ दैट्स व्हाट आई लव एंड आई रादर डू समथिंग व्हाट आई लव देन डू समथिंग व्हाट आई एम नॉट. सनी सर यहाँ पर फिल्म में एक ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर लोकल ट्रेन आ रही है और आपकी कार वहाँ से टकराते हुए जा रही है तो वो सीन करने में कितनी डिफिकल्टी हुई थी आपको? डिफिकल्टी होती है कि उस सीक्वेंस को कटने में हमें कम से कम हफ्ते या दस दिन लगे थे टू ऑर्गेनाइज इट एंड टू गेट इट टू दैट परफेक्शन बिकॉज सब चीज़ एक साथ की थी हम लोगों ने एंड इवेंचुअली इट्स जस्ट वन शॉट एंड इट हैपेंड. सर और फ्यूचर में आपकी कोई अपनी फिल्म का दोबारा रीमेक जैसे घायल को आप लेकर आए और कोई और फिल्म को दोबारा पर्दे पे उतारना चाहेंगे अपनी फिल्मों में से? देखिए इस फिल्म के ऊपर है अगर ये फिल्म मुझे लगा कि मैंने जेन्युइनली आई कुड रीच आउट टू द पीपल एंड आई हैव जस्टिफाइड इट देन डेफिनेटली आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फिल्म जिनमें कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे तो दैट विल गिव मी एनकरेजमेंट टू ब्रिंग देम अक्रॉस एंड आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करूँगा as long as I can get the soul to it. Sunny sir, hello. Congratulations for the promo. It's very like brilliant promo. And aapne bachchon ke saath kaam kiya, jabki hamare yahan bahut kam log bachchon ke saath kaam karne ke liye ya youngster ya teenagers par base ye hai sir bhi hila rahe hain. Bahut kam filmein banti hain. Aapko kya wajah lagti hai? Kyun log bachte hain? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है क्या आजकल वी आर ऑल बिकम वेरी कमर्शियल एंड हर चीज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आएगा कितना बनेगा उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं कोई उस हिसाब से नहीं बन रही है कि मुझे ये कहानी पसंद है आई वांट दिस टू बी मेड बिकॉज वो ले कहानी पसंद उसे हो और लेकर जाएगी उसने बनानी नहीं जब तक एक्स वाई जेड आर नॉट देयर इन इट और फिर बाकी और चीज़ें ना हो देन द स्टूडियो विल वांट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स टू बी एडेड ऑन टू इट तो क्रिएटिविटी खत्म हो गई है तो इसी वजह से बच्चों की फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं लेकिन बट आई एम नॉट बीन फॉलोइंग सिनेमा टू मच बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ यंग फिल्म्स कमिंग आउट इफ यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम श्योर देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ देम कमिंग आउट और उसके अलावा भी हम बूढ़े होकर भी हम लोग फिर भी टीनेज फिल्म करते हैं टीनेज तो कभी जाता नहीं है. सनी सर तस्वीरें लीक भी हुई थी जब बैक रोड पे आप शूट वगैरह कर रहे थे तो उन चीजों को कैसे आप ले रहे थे क्योंकि आपकी कई तस्वीरें लोखंडवाला बैक रोड से. अभी देखिए इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज कितना मैं कोशिश करूं जैसे हम लोग गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो कोई ना तो कोई आ जाता है बाजू में और फोटो खींच लेता है एंड कुछ नहीं कर सकते आप तो दिस इज द सोसाइटी दिस इज हाउ वी आर लिविंग टुडे एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड विद इट देन फाइट अबाउट इट एंड क्रिब अबाउट इट. एंड प्रमोशन पे आप किस तरीके से ध्यान देने वाले मतलब एग्जैक्टली क्या होगा आपको? अभी आप मेरी टीम है आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा कोशिश करूंगा क्या मुझे करना चाहिए और मैं वैसे ही लेके जाऊंगा बिकॉज मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है इस फिल्म में और मैं चाहूंगा कि वो मेहनत आजकल जनता को स्क्रीन पर लाने के लिए बहुत जरूरी है और दैट इज नॉट क्रिएटिव बट वी विल ट्राई एंड डू सम क्रिएटिव अबाउट इट. सनी सर इधर सनी सर जिस तरह का माहौल आजकल देश में चल रहा है और आपने कहा कि आपकी जो फिल्म का लाइनअप है वो सिस्टम के खिलाफ है तो आपको लगता है कि जो एक आम आदमी होता है वो आपके अंदर एक अक्स देखता है अपना इसीलिए फिल्में आपकी पास में चली और ये फिल्म भी उस एक रीजन होगा वो चलने का? इट्स बेसिकली जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं दे हैव बीन बेसिकली उस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं और ये फिल्म ये सिस्टम से कुछ लेन देन नहीं है इट्स बेसिकली टू डू विद अस आवरसेल्व्स हम हर फैमिली हर तरह की फैमिलीज होती हैं सो मैंने इस फिल्म में अलग अलग तरह की फैमिलीज को पकड़कर और सबका एक सोर पॉइंट पकड़ के फिर मार के लेकर गया हूँ
बेस्ट इज लेट द फिल्म रिलीज ना, फिर मैं मुझे भी पता चलेगा कि मैं पहुंच पाया आप लोगों तक या नहीं। पापा ने थोड़ी बहुत देखी है, पूरी नहीं देखी क्योंकि कंप्लीटली रेडी भी नहीं है अभी और मैं दिखाना भी नहीं चाहूंगा। टिल हैव ऑल माय स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग रेडी तब दिखाऊंगा। और आई एम श्योर पापा हैज ऑलवेज लव्ड व्हाटएवर आई हैव डन इवन इफ इट्स नॉट गुड। हाँ जी, देयर इज सोहा इन दिस फिल्म, शी इज देयर, डेफिनेटली देयर, बट इट इज नॉट सी द ये कहानी। आप लोग बोल रहे कुछ इस तरह की कहानी क्यों नहीं बनाते, तो ये कहानी को अप्रिशिएट कीजिए जब आएगी, फिर मुझे पूछिएगा क्यों नहीं है और क्यों है और क्या है। सनी, डू यू नॉट लुक इनटू सम इनपुट्स फ्रॉम पापा? हैव यू गॉन अहेड एंड आस्क्ड हिम समथिंग? आई एम बोर्न इन दैट हाउस, सो फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ इनपुट्स कमिंग इन व्हिच वन डजंट हैव टू आस्क। आई हैव ग्रोन अप लाइक दैट। I'm full with inputs. Oh my God. Okay, guys, I think any more questions? The last question, anybody? I think that's a wrap. Thank you so much, bhaiya. First and all, happy Diwali to all of you all, and wish everybody all the best, all the viewers jo dekh rahe hain. And bas yehi keh raha hu ki for me, Diwali is bringing my promo out, and then in Jan, I'll see you all again. Thank you. Photo up, guys.